हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरु जी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 70 की, जो कि 18 जनवरी के लिए जारी की गई क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट स्टडी वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखे। टुडे विच यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बच्चों हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, एंड इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट DNA एंड सम रिलेटेड कॉन्सेप्ट अबाउट इट। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खासा, आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चा, एज इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडी अबाउट DNA इन फ्यू वायरसेस। इज द मॉलिक्यूल, इट इज द बेसिकली द मॉलिक्यूल दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑन द ट्रेट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज हेरिडिटी। दिस DNA अलॉन्ग विद सम प्रोटीन्स इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक इन क्रोमोसोम यूकैरियोटिक सेल्स इन क्रोमोसोम विच आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। दे प्ले ए वेरी वाइटल रोल इन बच्चों किसमें, सेल डिविजन, हेरिडिटी, वेरिएशन, म्यूटेशन, रिपेयर एंड डीजेनरेशन। इन सब चीज़ों में ये एक प्योर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। DNA जो कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के तौर पे हम जानते हैं बच्चों, वो क्या है, हेरिडिटी मटेरियल इन ह्यूमन एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स। नियरली एवरी सेल इन ए पर्सन बॉडी हैज सेम DNA। मोस्ट ऑफ द DNA इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस वेयर इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर DNA, बट इन स्मॉल अमाउंट इज ऑल्सो लोकेटेड इन या फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। ए ट्रेट या एलील इज ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच कैन बी डिटरमाइंड बाई द जीन्स ऑफ द और एनवायरमेंट और मोर कॉमनली बाय द इंटरेक्शन बिटवीन दैम। ए जीन इज ए स्ट्रेच, एक छोटा सा स्ट्रेच होता है of DNA present on chromosome which act as a physical and functional unit of heredity. These genes can contain instruction for formation of different molecules of for cell. That is, we can say that all the characteristic of an organism depends on the expression of these genes. Humans have two copies of each genes known as allele, each one from each parents. These alleles of genes are responsible for the variation and uniqueness of each individual. बच्चों, अब अगर हम inside cell की बात करें तो cell के अंदर nucleus, nucleus के अंदर chromosome, chromosome के अंदर DNA और DNA के अंदर जीन। Herr Johnson is the person who coined the term gene and George John Mendel is known as the father of genetics. Now we are going to talk about which accumulation of variation during reproduction process. तो होता क्या है कि when an organism reproduces, the DNA undergoes minute changes through the basic body design. But some of how these are basic design which cannot changes the basic structure of the organisms. This causes variation in next generation and for further more generation to come. The variation are more profound in sexually reproducing organism than asexually reproducing one. Let us understand this with the help of example. Asexually reproducing bacteria that shows variation resulting in two bacteria which in turn divide to form four as shown in the figure. We are talking about this figure, which all having minor difference between them. Would all of these variation have equal chances of survival? No. For example, if the temperature of a geographical area increases, then the heat stable bacteria will survive. This means that the bacterial variation survive generally. अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर की। तो पहला है, what is caused when DNA copying process is inaccurate? So ऐसी कंडीशन में होता क्या है बच्चों, ऐसी कंडीशन में एक तो मेन जो कॉज होता है वो होता है वेरिएशन, जो होता है वो कॉज होता है, ठीक है, वेरिएशन कॉज होता है। फिर क्वेश्चन नंबर टू, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वुड रिजल्ट इन मोर वेरिएशन? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज गोइंग टू रिजल्ट इन मोर वेरिएशन। फिर बच्चों तीसरा है, डिफाइन हेरिडिटी, जीन और वेरिएशन। तो चलिए जरा बात कर लेते हैं इनके बारे में। ए प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक वाज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द
अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। फिर उसके बाद जीन है, तो जीन क्या है, जीन इज ए स्ट्रेच ऑफ डीएनए प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम विच एक्ट एज ए फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, अब अगर वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन क्या है बच्चों, वेरिएशन है जो डिफरेंस होता है बिटवीन सेल्स इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिज्म विच कॉजेस देयर डिफरेंस इन जेनेटिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेरिएशन बच्चों। तो ये आपका आंसर है इसका। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉपुलेशन ए ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 20% वेयर एज अनदर ट्रेट बी एग्जिस्ट इन 40%, विच वन हैज अराइजन लेटर। हेयर फॉर दिस देयर इज सिंपल फंडा दैट द लार्जर द अमाउंट विल अराइज अर्लियर, सो 40% विल अराइज अर्लियर एंड द 20% विल अराइज लेटर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।